160 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को इस सदन में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस समय में जो पहले के राज्यपाल है वे अपने सिद्धांत और आदर्श में गिरते चले जा रहे हैं, जिससे देश के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। जो आदमी संविधान के रक्षक के रूप में काम कर चुका हो, राज्यपाल रह चुका हो, और वही आदमी राज्यपाल न रहने पर ऐसा कार्य करे जो जनता के विरुद्ध जाता हो, तो इससे यह मालूम होता है कि वह उसका जो आदर्श है उससे गिर रहा है। उनके सामने हमेशा यह आदर्श रहना चाहिए कि अधिक लोगों का हित हो और हम लोग राज्य की स्थापना कर सके, जैसा कि हमने अपने संविधान में कहा है। लेकिन देखने में यह आता है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। पैरा, एक बात इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब यह कानून बना था उसमें यह बात शामिल थी कि जो लोग दबे हुए हैं, जिन जिन लोगों का शोषण होता है, उनको कुछ सुविधा मिले, उन्हें कुछ राहत मिले और इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। यह बात सबको मालूम है कि भारत के जो अखबार है उनके जो मालिक है वे प्रायः वही लोग हैं जो धनी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा उनसे अपने हितों की रक्षा का कार्य भी करवाते हैं। इस कानून के बनने से उनको ऐसा लगा कि हमारे जो हित है उनको धक्का लगेगा और कर्मचारी जो कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने इस कानून को, जिसे इस सदन ने पास किया था, चुनौती दी और वे कोर्ट में गए और वहां पर भी हम देखते हैं कि उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक आदमी जो राज्यपाल के इस पद पर कार्य कर चुके हैं आ जाते हैं। पर राज्यपाल के पद पर रहने पर तो हम जन कल्याण की भावना का समर्थन करें, लेकिन उस पद को छोड़ने के तुरंत बाद ही हम उसके विरुद्ध कार्य करें तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो राज्यपाल है वे राज्यपाल की इज्जत को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ऐसे आदमी नियुक्त किए जाते हैं जिनका बड़ा सम्मान होता है और जो काफी पढ़े लिखे होते हैं और देश के नेता होते हैं। पर अध्यक्ष महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत संबंध है। यह कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियां बहती थी। मेरे ही जमाने में 1 रुपए का 20 सेर दूध मिलता था, परंतु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है। आज हर व्यक्ति को दूध नहीं मिलता है। आज हालत यह है कि औरत को, बच्चे को, रोगी को दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्योग धंधे की ओर देते हैं, इतना ही ध्यान पशुपालन की ओर, नस्ल सुधार की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियाँ बहती है। भारत में जो दूध की नदियाँ बहती थी वे आज अमेरिका आदि में बहती है। हमारा देश निर्धन देश है। हमारे यहाँ लोग फल फूल खाते हैं, बहुत कम लोग ही यहाँ मांस या अंडे खाते हैं। उनको यदि दूध घी भी ना मिले तो इसका क्या नतीजा होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। पैरा, अमेरिका में एक गाय काफी दूध देती है, जबकि हमारे यहाँ की गाय ज्यादा दूध नहीं देती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समय समस्या को आप ठीक तरह से हल करने की कोशिश करें, इसकी ओर आप पूरा ध्यान दें। पैरा, मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है, थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, इसकी कोशिश हो रही है। भारत की जनसंख्या 50 करोड़ है और 5 लाख से अधिक यहाँ गांव है। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। पशु की आबादी बढ़ानी चाहिए, उसकी नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए। जब तक अच्छी गाय नहीं होगी तब तक काफी दूध देश में नहीं मिल सकेगा। पैरा, खेती की उन्नति के लिए पानी, खाद, बीज, बैल, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। यहाँ हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, इसका कोई इंतजाम होना चाहिए और इस ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ और आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर
इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण बंद करूं, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि देश में अभी भी बहुत सी नदियां हैं जिनके पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।